नमस्कार बच्चों, मैं आपकी संस्कृत टीचर। बच्चों, अभी तक हमने पार्ट एक और पार्ट दो के वीडियो देखे। मुझे आशा है कि आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। अब हम पार्ट तीन, तृतीय पाठ, डिजी भारतम। इसका टॉपिक है डिजी भारतम। तो इस टॉपिक के बारे में हम सबसे पहले हम अभी इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि डिजी भारतम का मतलब क्या है। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। मतलब जो ये चैप्टर है, ये पाठ है, ये डिजिटल इंडिया के मेन भाव को, मेन बात को लेकर लिखा गया है। निबंधात्मक पाठ इसमें, मतलब ये पाठ कैसा है, निबंधात्मक है। जैसे हम किसी चीज़ के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर निबंध लिखते हैं, उसी तरह ये एक निबंध है। डिजी भारतम, इसके ऊपर एक संस्कृत में निबंध की तरह लिखा गया है ये पाठ। इसमें क्या क्या है अंदर इसके, इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है, यानी उन आयामों को, वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को, उन चीज़ों को बताया गया है, बताने की कोशिश की गई है, जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब एक हम क्लिक करते हैं, एक बार हम टच करते हैं और उसके द्वारा हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है, ये तो आप सभी जानते हैं बच्चों कि आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को, हमारी चीज़ों, आज हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, या हम पढ़ रहे हैं, या हम एक दूसरे से वो कर रहे हैं, ये भी हमारी इंटरनेट की ही सहायता से है। तो ये हमारे जीवन में कितना, इसने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से अत्यंत निकट आ गए हैं। पहले हम एक दूसरे से वर्षों नहीं मिल सकते थे, बातचीत नहीं कर सकते थे, जब तक मिल नहीं सकते थे, लेकिन आज हम कभी भी, किसी भी समय एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं तो हम एक दूसरे के निकट ही, पास ही होते हैं। तो भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। मतलब जीवन के जो हमारे क्रियाकलाप है, हम घर बैठे हैं, हमें किसी से बात करनी है, हमने फ़ोन लगाया और बात हो गई। कोई बैठे बैठे सामान ऑर्डर करना है, हमने नेट की सहायता से ऑनलाइन बुकिंग की और हमारा सामान घर बैठे घर पर आ गया। ये सब सुविधाएं हो गई हैं, हमारे सारे क्रियाकलापों की के लिए सुविधाएं हो गई हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। मतलब ऐसे ही सभी भावों को हमारे इसमें संस्कृत में बताया गया है। अब देखिए, मैं बहुत शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊँ, रीडिंग के साथ साथ एक्सप्लेन भी करती जाऊँ। तो हम आज एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, जितने भी हो जाएंगे, बट रीडिंग के साथ एक्सप्लेन, ठीक है बच्चों? देखिए, अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य मीन्स आज, संपूर्ण विश्व, पूरे संसार में, विश्व में यानी भारत में, आज पूरे भारत में, पूरे देश में डिजिटल इंडिया शब्द की चर्चा सुनी जाती है। आज हमारे पूरे देश में इसकी चर्चा सुनी जाती है। इसकी अस्य पदस्य कहा भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस शब्द का, अस मीन्स इस शब्द का यानी पद का क्या अर्थ है, भाव मीन्स अर्थ है, ऐसी मनसि मन में, जिज्ञासा मीन्स जानने की इच्छा, जिज्ञासा मीन्स होता है जानने की इच्छा, कोई चीज़ हमें जानने की इच्छा हो उसे हम कहते हैं जिज्ञासा। तो मन में जानने की इच्छा उत्पन्न हो रही है यानी पैदा हो रही है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन,
काल मीन्स समय, परिवर्तन मीन्स बदलना, समय बदलने के साथ, मीन्स के साथ, समय बदलने के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी, आवश्यकता अपि मीन्स भी, समय बदलने के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदल जाती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसी। प्राचीन कालस्य, प्राचीन काले मीन्स पुराने समय में, जो हमारे ऋषि मुनियों को, हमारे पुराने समय जब रामायण महाभारत ये सभी थे, सतयुग त्रेता युग इन युगों में जब था पुराने समय में, तो क्या होता था, ज्ञान का, ज्ञानस मीन्स ज्ञान का, यानी जो पढ़ाई लिखाई हो रही है, आदान, ज्ञान का आदान प्रदान, ये जो पढ़ाई लिखाई होती है, मौखिकम आसीत, मौखिक होती थी। पहले गुरुकुलों में बच्चों को ले जाया जाता था और उनको मौखिक शिक्षा दी जाती थी, रोज सुबह सारी क्रियाकलापों के बाद पढ़ाया जाता था, लेकिन मौखिक ज्ञान दिया जाता था, उन्हें सिर्फ पढ़ाने पर ही सब कुछ समझ आ जाता था। विद्या चा श्रुति परंपरया गुह्यते इष्म। और ज्ञान केवल, चा मीन्स और, विद्या मीन्स ज्ञान, श्रुति परंपरा मतलब पहले परंपरा थी, यह है क्या परंपरा थी, कि ज्ञान केवल सुनकर ही, श्रुति मीन्स सुनना, सुनकर ही गुह्यते इसमें ग्रहण किया जाता था। पहले क्या परंपरा थी, कि कहीं कुछ लिखने का, कहीं कोई नोट करने का कोई चलन नहीं था, आपको सिर्फ सुनकर ही ज्ञान को ग्रहण करना होता था, ऐसी पहले की परंपरा थी, मान्यता थी, ये माना ही जाता था। अनंतरं तालपत्रोपि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम मीन्स इसके बाद, तालपत्र, चाल तालपत्रों पर, यानी तालपत्र और भोजपत्र पर लेखन कार्य प्रारंभ किया गया, शुरू किया गया, तालपत्र और भोजपत्र पर लिखने का काम शुरू किया गया। अब आप कहेंगे कि ये तालपत्र और भोजपत्र क्या होता है, पहले तालपत्र और भोजपत्र होते हैं पेड़ों की जो होती थी छाल, मतलब जो पेड़ का तना होता है, मोटा तना, उनसे जो पतली सी छाल निकलती थी, तो उसको इंक, कलम को इंक में डुबो करके मोटी सी कलम बनाई जाती थी, इंक में डुबो कर फिर लिखी जाती थी। कुछ कलम हमारे ये जो मोर होता है, मोर के पंखों से भी बनती थी, मोर के पंख जो वाइट वाइट पीछे होते हैं, उसको छील के उसको डिप की जाती थी इंक में, और डिप करके फिर लिखी जाती थी किसमें, वृक्षों की, पेड़ों की छाल में, पतली पतली पेड़ की छाल होती थी, उसमें लिखने का कार्य धीमे धीमे शुरू किया गया, क्योंकि लिखने वाला कार्य इतना अधिक नहीं होता था जितना आज के युग में हमें बहुत अधिक लिखना पड़ता है, इतना नहीं लिखना होता था, कुछ चीज़ें बहुत आवश्यक चीज़ें लिखी जाती थी, तो ये छोटे छोटे भोजपत्र और तालपत्र में लिख दिए जाते। ठीक है बच्चों, इतना समझ आया, लेखन कार्य शुरू किया गया। तालपत्रों बोल लेखन कार्य परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। समय परिवर्तिनी काले, मतलब काले में समय,
समय के बदलने पर समय जब बदला, कुछ और समय परिवर्तित हुआ, बदला, फिर तब क्या हुआ, कागज, कर्ग, दस्त मीन्स, कर्ग मीन्स होता है कागज, और लेखनी मतलब कलम, कागज और कलम का के आविष्कार से, कागज और कलम के आविष्कार से सभी लोगों के मन में स्थित भावों को कागज के ऊपर लिखना शुरू किया गया। मतलब जो सभी लोगों के मन के भाव होते थे, कुछ समय परिवर्तित हुआ तो कागज का और पेन का, कलम का आविष्कार किया। फिर अपने जो मन में, यानी पत्र जो लिखना, जिसे हम पत्र कहते थे, एक दूसरे की ओर भेजना, तो जो मन के भाव होते हैं वो हमारे कहाँ लिखे जाते हैं, कागज पर, तो वो पत्रों पर लिखकर एक दूसरे को भेजने लगे। ये एक समय के परिवर्तन के अनुसार हुआ। ये हम यहाँ तक हमने एक पैराग्राफ पढ़ लिया बच्चों, ठीक है। अब हम कल अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसका हिंदी अनुवाद समझेंगे, ठीक है बच्चों। अब आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। धन्यवाद।